यार दीपक चाहर से उसकी बहन ने उसकी शादी के टाइम क्या कहा था बताया कि वर्ल्ड कप आने वाला है, अपनी बैग का ध्यान रखना। भाई ने ध्यान ही नहीं रखा इंजर्ड हो गया यार वो, वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया अब डायरेक्ट। मतलब सोच रहे थे कि रिप्लेसमेंट होगा बुमराह का, कहां वही। और उसके बदले मौका किसे मिला है, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। मतलब शार्दुल ठाकुर के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। परसों मैं इसका एक पोस्ट देख रहा था जहां पे कोई मतलब बोल रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मैं T20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं हूँ। सोचो यार, लॉर्ड कुछ चाहे और वो ना हो, ऐसा हो सकता है? दीपक चाहर हुआ इंजर्ड और उसे मिल गया मौका। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ना कि दीपक चाहर तो एक बॉलर था, डेफिनेटली वो बॉलर था यार। उसकी बैटिंग के बारे में ठीक है, वो बैटिंग कर सकता है, लेकिन कौन सोच रहा था वो बैटर है। लेकिन उसके बदले हमने शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस क्यों किया? और अगर शार्दुल ठाकुर टीम में आया है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो दीपक चाहर है उसे अब हम एक ऑलराउंडर की तरह देख रहे हैं? मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डिबेटेबल है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर ही देना यार।